आता है। ओ ओ ओ मरा यार, ये क्या हो रहा है यार। आंटी को साइड बिठा लो, बाइक साइड लगा ले। भैया भैया, ओ भैया 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 रहने दो यार, छोड़ो छोड़ो यार, बच्चा है, छोड़ो, छोटा बच्चा, भैया रहने दो यार। अंकल अंकल अंकल, भैया भैया छोड़ो यार, भैया छोड़ दो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अंदर से, तो डरावना सा फील होता है, ऐसा लगता है किसी गुफा में घुस गए हुए हैं भाई। अभी हम पानी के कितना नजदीक आ गए हुए हैं, क्योंकि आगे डैम बना हुआ है, तो अभी हम डैम के ऊपर से ही जाने वाले हैं, वहां से भी आपको दिखाएंगे एक बार। तो गाइस अभी हमारा होटल से चेकआउट हो गया है, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से जम्मू के लिए। तो अभी यहाँ पे हमारी बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं, और आज ना ठंड काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो आप, आज मुझे लग रहा है बारिश पड़ेगी। तो आज हमने फुल पैक होके निकले हैं, आज हमने जाना है जम्मू, वहाँ पे अपनी बाइक्स लगी हुई हैं, अभी करते हैं उनको कॉल स्टार्ट। और भाई ऐसे कल मैंने आपको बताया शायद आज शिमला जाएँ, बट हमारा प्लान कैंसिल हो गया शिमला का, तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट वापस जम्मू। अभी बाइक को करते हैं कॉल स्टार्ट, यहाँ पर उनको ने भी कर दी हुई है, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कुछ नहीं किया हुआ है, रास्ते में ही करेंगे। तो आप देख सकते हो मौसम आज कैसा है, और ठंड ना आज मनाली में काफ़ी ज़्यादा है, जम्मू के मुकाबले तो नहीं है, बट देख सकते हो मौसम ऐसा है तो ठंड तो होगी। जिसके लिए हम आए थे वो तो हो नहीं पाया, हमने सोचा था बाइकों को बर्फ में चलाएंगे, बट चलो जो हो गया सो हो गया, बर्फ के मैं तो हम गए थे बट बाइक्स नहीं ले पाए, जो भी हो गया अच्छी बात है, जो हो गया सो हो गया, ट्रिप ख़त्म होगी। शिमला भी यहाँ से नियर अबाउट 250 के आसपास है, कुछ ऐसा ही है, तो हमने सोचा शिमला से अच्छा है वापस जम्मू ही निकल जाते हैं, क्योंकि शिमला में भी ठंड है। अभी आज बोल रहे थे कि बारिश शायद पड़ेगी, तो शिमला जाके भी हमने फिर रूम में ही बैठना है अगर बारिश पड़ेगी, तो सच में सोचा जम्मू निकल जाते हैं। तो भाई लोग अभी देख सकते हो लगभग हाईवे आ ही चुकी है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आगे असली हाईवे आने वाली है, बट ये रोड भी काफ़ी अच्छी है, और साथ में इसके नदी चल रही है भाई, देख सकते हो नीचे आप लोग, ये देखो भाई नीचे साथ में नदी और उसके साथ में ही रोड जा रही है, बिल्कुल हमारे डोडा की तरह, वहाँ भी ऐसा ही है, बट वहाँ पे फ़र्क इतना है नदी की जगह वहाँ पे चुनाव चलता है भाई। भाई टायर में ना सच में हवा कम है, तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ के एक बार व्यू देख लो भाई, साइड पे हमारी बाइक्स लगी हुई हैं और पास में नदी है, क्या बात है भाई। यहाँ पे नीचे भी हम जा सकते हैं, पूरा ले सकते थे बाइक्स को, बट अभी हमें यहाँ से जम्मू जाना है, इतना टाइम है नहीं कि हम बाइकें नीचे ले जाएँ, तो काफ़ी सही व्यू है, एक बार देख लो भाई। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा जम्मू, और यहाँ से आगे आप देख सकते हो पूरी खाली ऐसी रोड है, और अभी ना थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी, तो मुझे लगता है कि आगे शायद धूप ही हो, क्योंकि भाई अगर ऐसा ही मौसम रहा ना फिर ठंड से हमारी हालत ख़राब होने वाली है। तो अभी चलते हैं भाई, अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है, आगे देखते हैं भाई कहीं मंडी वाली साइड ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे, और अभी 11:30 के आसपास टाइम हो गया हुआ है, हाईवे तो एक नंबर है भाई, खाली है पूरी, बट भाई हवा ना काफ़ी तेज़ है, तो विंड उल्लास जुग में आपको पता है बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो चलो देखते हैं क्या सीन रहेगा। अभी ना हम टनल में घुसने वाले हैं, और ये टनल ना कुछ अलग ही है भाई, देखो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अंदर से, तो डरावना सा फील होता है, ऐसा लगता है किसी गुफा में घुस गए हुए हैं भाई। ये देखो भाई अभी ना इसमें कंस्ट्रक्शन ही हो रही है, पूरा टनल कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर से देखो बस ऐसे पहाड़ी के बीच में ही है भाई, ये खोदा हुआ है, बाकी कुछ नहीं करा है अभी इसमें, तो थोड़ा बहुत ना डर ही जैसा फील होता है। परसों रात को भी हम आए थे, हम हैरान, हम सोचे थे हम पता नहीं किस रास्ते में घुस गए हैं यार। अभी ना यहाँ पे ये फ्लाईओवर बन रहा है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, और हम इसके बिल्कुल नीचे से जा रहे हैं, आगे दिखाता हूँ मैं, आगे से स्टार्ट होगा, टनल्स भी बन रहे हैं अभी आधे इधर से, अभी इधर भी रोड की कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, अभी कुछ टनल्स भी बन रहे हैं, 2-3 फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं रोड की, रोड को 4-way बना रहे हैं, तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन इधर से भी हो रही है अभी। ये देखो इधर से भी एक टनल बन रहा है भाई, ये देखो यहाँ से नीचे देखो भाई, ये तो पूरा अपने चिनाब की तरह ही फील हो रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है यार, और रोड देखो कितनी छोटी है भाई इधर से, यहाँ से रुकेगी भी नहीं है, देखो सीधा नीचे पानी में, नहीं उधर हैं पत्थर थोड़े बहुत, उधर अटक जाएंगे, बट काफ़ी सही है भाई, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन। ओए क्या कर रहा है, ये देखो भाई अभी हम पानी के कितना नज़दीक आ गए हैं, पहाड़ी से उतर गए हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नीचे जाने में, और वो वहाँ पे शायद ये डैम है ना भाई, ये देखो यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा पानी क्योंकि आगे डैम बना हुआ है, तो अभी हम डैम के ऊपर से ही जाने वाले हैं, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे एक बार, जा रहे हैं डैम से ऊपर, और ये देखो भाई यहाँ से पूरा पानी जमा किया हुआ है, और इस वाली साइड तो पूरा सूखा हुआ है,
और उस वाली साइड दिखा नहीं पाऊंगा मैं, रॉन्ग साइड हो जाएगा। इस वाली साइड देखो कितना ज़्यादा पानी है भाई भरा हुआ। भाई अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे ब्रेकफास्ट करने, हमारा ब्रेकफास्ट ना दोपहर के लंच के टाइम पे हो रहा है, तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा नहीं था, यहाँ आके करे हमने मंडी में, 100 किलोमीटर दूर है। सो गाइस यही वो लीन है जहाँ पे मैं और शदाब पुट्ठा हुए थे। कैसे हो, ठीक हो? हेलो भैया, चले भी। आप देख सकते हो आज हम जम्मू पहुंच गए हुए हैं, और पीछे आप देख सकते हो मेरी आरसी आ रही है। तो अभी आप यही सोच रहे हो कि हम जम्मू कैसे पहुंच गए मनाली से, तो वैसे हम आए तो परसों थे, लगभग ना 500 किलोमीटर हमने एक ही दिन में कवर कर लिया था। उस दिन हमने व्लॉग बनाया तो था बट वो अभी डाला नहीं है, क्योंकि भाई वो आधा ही बनाया हुआ था, हमने आधे रास्ते तक ही बनाया था, तो शायद इसके पहले मैं वो डाल दूँ जब हम मनाली से जम्मू आए थे। ये अपनी ड्यूक भी है आज, और अपनी RC 390 जो है वो अंकु चला रहा है, वो इसलिए क्योंकि अंकु ने आज अपनी RC लाई थी बट उसका ना स्टैंड में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो हमने यहाँ पे लगाई हुई थी बट वो बोल रहे हैं इसमें 2-3 घंटे लगेंगे, तो तब तक फिर अंधेरा हो जाता है। आजकल आपको पता जम्मू में सिर्फ धुंध ही धुंध है, जब से हम आए थे ना, जिस दिन हम मनाली से आए ना, तब से भाई सिर्फ धुंध ही धुंध थी भाई। तो ऊपर से हमने 500 किलोमीटर भाई एक ही दिन में कवर कर लिया था, तो हालत ख़राब हो गई थी उस दिन। व्लॉग भी हमने वो वाला डाला नहीं था बट बना के रखा हुआ है, तो शायद इससे पहले मैंने वो डाल दिया होगा, डाल दिया होगा तो आप लोगों ने तो पूरा देख भी लिया होगा। साथ में आज हमारे काजिल व्लॉग्स भी हैं भाई, काजिल ना आज बड़े टाइम बाद आया भाई साहब, बड़े लोग कमेंट्स भी करते थे कि भाई ये कहाँ गायब है। आज इसको हमने बोला ना चल हमारे साथ, बाइक नहीं ला बट अपने हमारे साथ ही आ जा, तो मेरे पीछे बैठा हुआ है, आगे शफकत भी है। अभी चलते हैं सिदरा वाली साइड, देखते हैं क्या सीन रहता है आज का। भाई आज ना हम बड़े दिनों बाद भाई सिदरा आ रहे हैं, मनाली ट्रिप काफ़ी अच्छी भी रही, मज़ा आया बट थोड़े बहुत सीन्स भी हुए मेरे साथ। मेरा जैसे कि आपको पता है एक्सीडेंट हुआ, पहले जिस दिन जब हम यहाँ से गए तब मेरी कोई क्लिप में साउंड नहीं आई, अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर एक एंड्रॉयड फ़ोन था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो वो भी मेरा घूम गया वहीं। मेरे लिए ट्रिप भाई अच्छी भी रही और बुरी भी रही, बट क्या बोल सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, बट इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस भाई, बहुत सही, मतलब मज़ा आया हमें ट्रिप में। वैसे इतनी लंबी ट्रिप शायद मैंने पहली बार करी, इससे पहले भी हम गए थे बट पालमपुर गए थे, वो कोई 300 किलोमीटर के आसपास है, बट ये 500-600 किलोमीटर की ट्रिप ना मैंने पहली बार करी। और आज हमको RC चला रहा है, आज बोल रहा होगा आ जा ऐसे मेरे साथ रेस लगाता है, आज आ जा, आज आज तेरी RC है, आज क्या बोलेगा। तो भाई यहाँ पे ना शैबी शदाब वगैरह मिल गए थे सारे, तो अब काजी लिनी के साथ यहाँ से वापस चले गया भाई साहब। आज तो मतलब अब ना वो टाइम ही नहीं रहा कि कोई भगाता नहीं है, डरता है, अब हर कोई ना बस ये करता है, हर किसी ने अब नहीं मानता भाई कोई, अब हर कोई तेज भगाता है। ओ ओ, ओ मरा यार, क्या हो रहा है यार, लगी तो नहीं भैया, लगी तो नहीं। अरे क्या ये लीन जब बजता ही नहीं किसी से, हर कोई यहाँ आके गिरता है यार। आंटी को साइड बिठा लो, बाइक साइड लगा ले, उनका ही फोन है यार ये, इनको खाली बोलो फोन लेने आओ, जाओ जाओ भैया बोलो फोन लेने आओ, उन्हीं का फोन है भैया, मिलेगा नहीं बाद में। कौन है ये, दोनों मोबाइल उनके हैं? नहीं ये मेरा फोन है। अच्छा ये उनका जो टूटा हुआ है ये फोन माउंट, नहीं आएंगे भाई इधर ही आए, वो मैंने तो आके कॉल पे लगाया है। वो छोटा सा कोई बात, आंटी कुछ नहीं हुआ, रो नहीं। अरे वो पहले पीछे से तेज आया, मैंने पहले मैंने भी देखा तू बाहर जाएगा, भाई यार क्या बोलूँ मैं पहले ही आपको बोल रहा था मैं, आजकल हर कोई एक भगाने के ही चक्रों में होता है, संभाली जाती नहीं है किसी से, बस भगानी है भगानी है भगानी है। यहाँ पे आपको पता है हमारे लोगों में कितनी बार बाहर गए थे, पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, बट लोगों को समझ ही नहीं आता यार, कंट्रोल नहीं है तो भगाते क्यों हो यार। भैया को टांग में भी लग गई है, पूरा ट्राउजर वगैरह फट गया यार, मैं हर बार बोलता हूँ कि नहीं भगाया करो यार, नहीं है कंट्रोल, क्यों भगाते हो हमारे सामने, क्यों भगाते हो। ये देखो ये फोन माउंट है यार उसका, ये भी निकल गया हुआ, फोन भी निकल गया है। इसको वापस बुला, बोल बंदे को अपना फोन तो ले जा, डफर को पागल, ये रुके हुए हैं। यार ये लो भैया, ये आपका है, पकड़ो फोन, उन्हीं के पास है, आराम से चला करो यार,
भैया 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 मारो नहीं, मारो नहीं भैया। भैया मारो नहीं, मारो नहीं यार। भैया 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 ओ भैया 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 रहन दो यार, छोड़ो छोड़ो यार, बच्चा है छोड़ो, छोटा बच्चा, भैया रहन दो यार। अंकल 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 भैया भैया छोड़ो यार, भैया छोड़ दो, छोड़ो यार अंकल, क्या भैया वो भी टूट गया हुआ है, दे दो फोन यार, बेचारों को क्या करना है, आप कर, चलो मुझे इलाज करो। कोई नहीं वो करा देंगे, वो नहीं करा देंगे, हम करा देंगे यार, फोन दे दो बेचारे का, बच्चा है यार। तो भाई अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सिटी के लिए, तो वो जो भाई था ना जिनका एक्सीडेंट हो गया था वो हॉस्पिटल चले गए हैं, तो वो साथ में उस लड़के को भी साथ ले गए। देखो भाई एक चीज़ मैं मानता हूँ कि उस लड़के की गलती थी यार, उस स्पीड में आया ठोक के फिर भाग गया, गलती थी उसकी, बट कब फ़ोन वगैरह वहीं गिर गया था, उसने माउंट वगैरह करा हुआ था, तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं रहा, वो आगे रुक गया, हम भी गए, हमने भी बोले मैं रुक जा कोई बात नहीं, सॉरी वगैरह बोल दे, दे देंगे फ़ोन, बट भाई वहाँ पे बाकी लोग जब आए ना उन्होंने उसको वो मारने लग गए भाई, जिनको ठोका था उनने उसको खास कुछ नहीं बोला, वो बस यही बोलते कि हमें जो लगी है हॉस्पिटल चल हमारे साथ, इसका खर्चा दे दे, बाकी फिर तू चले जा यहाँ से, बट जो बाकी लोग आए वो उसको मारने लग गए यार, मारने से भाई क्या ही होता, वो बेचारा बच्चा सा था, लगी उनको भी थी, जो हो गया सो हो गया, बस एक ही दिक्कत है यार, देखो हाँ गलती थी उसके वो मैं भी बोलता हूँ, बट यार मारना नहीं चाहिए यार किसी को, अब उसने हो गया उससे तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब आप उस बात पर उसको मारोगे, अब वो बोल रहा था कि हाँ मैं कर देता हूँ भाई, चलो हॉस्पिटल मेरे से जो हो गया मेरी गलती होगी, वो सॉरी भी बोल रहा है 10 बार बोले, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सॉरी बोलने से थोड़ी ना वो ठीक हो जाएंगे, अब वो ये बोल रहा है कि चलो हॉस्पिटल जो खर्चा आएगा वो मैं दे दूँगा, और वो क्या ही कर सकता बेचारा, उसका फ़ोन भी टूट गया, डिस्प्ले पूरी टूट गई थी उसके फ़ोन की, बट लोगों को क्या, लोगों को मिल गया बहाना, आगे सारे जमा होकर लग गए मारने बेचारे को। आज ना हर कोई व्लॉगिंग के चक्करों में घुस रहा है, तेज़ चलानी है हर किसी ने, कंट्रोल होनी नहीं है और ठुक जाना है, खुद तो भाई होगा ही होगा नुकसान, दूसरों को भी नुकसान कर रहे हैं सबको, हमारे ग्रुप को आपने इतने टाइम से देखा भाई, आज तक ना हमने किसी को नुकसान नहीं किया, किसी को सामने वाले को नहीं ठोका, क्योंकि तो हमें पता है हमारी लिमिट क्या है, हम नहीं चलते थे, हमें बहुत टाइम हो गया सबको ये सब करते हुए, गिरे हम भी हैं भाई, मैं नहीं बोलता कि गिरता नहीं है कोई, गिरे हम भी हैं, बट हमने कभी किसी को ठोक के कभी भागे नहीं, फिलहाल हमने किसी इंसान को खड़े करे रोड पर ठोका नहीं है, हल्की सी टक्कर वगैरह होगी किसी गाड़ी के साथ, मेरी भी एक दो बार भाई पीछे से बच गई है, ब्रेक नहीं लग गई, मैं रुका उधर, मैंने उनको बोला जो मेरा नुकसान था, मैंने वो भर भी दिया भाई, जब आपने गलती की तो गलती मान लो, रुक जाओ, भागने से क्या ही जाएगा भाई, आप मैं भी क्या ही बोलूँ भाई, मैं जितना बोलूँगा लोगों ने उतना हमें ही बोलना है कि आप भी तेज चलते हो, आप ही की वजह से ये हो भाई, किसी को देख के नहीं कभी किया करो, तुम्हें पता है हमें पता है हम कितनी चल सकते हैं, 100 लोग मेरे को बोलते हैं कि आ रेस कर आ रेस कर, मुझे पता है मैं अगर चलो मैं बोलता हूँ कि मैं भगा लूँगा भाई, मेरे को पता है मैं कितने जाऊँगा, बट दूसरे वाले को भी तो सोचो, लोग क्या सोचते हैं कि हाँ भाई हमें आती है भगानी, ईगो में आ जाते हैं, लगा ले रेस, देखते हैं कौन जीतता है, सामने वाले का हो ना कंट्रोल ना हो वो ठूक जाएगा दूसरा, उसको क्या है, बट मेरे को मैं सच में बोलता हूँ पर्सनली, मेरे को भी बहुत मेरे को अंकु को हमें लोग बोलते रहते थे कि मतलब कोई जो चप खाते हैं ना हेटर्स वगैरह वो बस बोलते रहते हैं आओ रेस करनी है, तो मैं तुम बड़े राइडर बनते हो वो ये, हमने कभी किसी को बोला नहीं आओ रेस करें, हमारा भी तो भाई हमें भी चलानी आती बाइक यार, हम कभी हमारे ईगो पे बात नहीं लाते, यही है भाई आप अपने हिसाब से कंट्रोल में चलो जितना तुम्हें पता चला सकते हो, और कभी गलती अगर किसी से ठुक भी गए तो भाई रुक जाया करो, ज़्यादा क्या करेंगे भाई यार, पुलिस को कर देते कॉल, पुलिस तो भाई हाँ पुलिस बोलेगी ठुक गई भाई तो भर दे खर्चा, बाकी क्या ही होना था, डॉक्यूमेंट नंबर प्लेट सारी लगी थी बेचारे का यार। A few moments later. तो भाई अभी काम वगैरह था वो हो गया, अब निकलते हैं हम यहाँ से, आईडी काम अपना हो गया हुआ है, बट आज ना रश काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से अपने पास ड्यूक है और ड्यूक का हैंडल कहीं भी बच जाता है भाई, क्या ही बोलें अब। ओ दिल्ली एक तो लोग ही बड़े हैं भाई इधर से, भाई अभी देख सकते हो अभी हम वापस आ गए थे और अभी थोड़ा निंजा के साथ पकाया रहे हैं भाई, हम थोड़ा पीछे ही चलेंगे भाई, क्या बात है भाई, नींद देखो भाई क्या बात है, मैं तो नहीं मारने वाला आज भी, आपको पता है ट्यूब के टायर के कॉर्नर ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है यार, ये कॉर्नर पे ग्रिप बिल्कुल भी नहीं पकड़ते हैं भाई आज, बट निंजा के साथ थोड़ी बहुत पकाएंगे। आगे
लीन आने वाला है वैसे, और मैं प्रॉपरली नहीं मारने वाला उतना। ओ हो कहाँ चल रहे हैं भाई ये लोग इसने। हाँ भाई ड्यूक में पेट्रोल ख़त्म हो गया शायद, मिस मार रही है भाई, देखना पड़ेगा क्योंकि इसका ना ये फ्यूल वाला ख़राब है भाई। मैंने इसमें कल ही भाई 500 से ज़्यादा का डलवा दिया था, बट पता नहीं क्या सीन है भाई, चले भी हम काफ़ी ज़्यादा आज। ये देख सकते हो भाई, ये जो स्टैंड था ना भाई, ये यहाँ से पीछे से ही निकल गया हुआ था, तो ऑयल भी थोड़ा बहुत लीक हो रहा था, तो अब तो भाई काम हो चुका है। इसकी किट उतार दी थी ना, फिर दिखाई नहीं थी भाई। ये देखो इसका अलॉय वगैरह सब कुछ हो गया हुआ है, तो एक नंबर लग रही है भाई बाइक। अब किट वगैरह उतर गई है, नॉर्मल बन गई है, बस अब इसका टायर भी चेंज करना है। तो ये स्टैंड था, यहाँ बैली पैन में देखो कितना ऑयल जमा हो गया हुआ है। यहाँ स्टैंड निकल गया था ना, यहाँ से ऑयल निकल रहा था बाहर, इसलिए भाई हमने ये चलाई नहीं, हमने सीधा छोड़ दिया। अभी फिट होगी हुई है, अभी लेते हैं इसको। तो भाई अभी अंकु ले रहा है अपनी बाइक, हो गई है ठीक, और अभी शफकत और मैं चलते हैं घर, क्योंकि शफकत की बाइक ना मेरे घर के बाहर ही लगी हुई है, तो आरसी भी लेनी थी, मैं दो नहीं ले पाता। तो भाई आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।